नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्रकाश संश्लेषण का। आज के लेक्चर में अपन उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में जो अपन ने स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस, उसकी सामान्य जानकारी ली थी। फोटोसिंथेसिस क्या होता है और कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व है और कौन कौन सी सामग्री उसमें आवश्यक है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है और कैसे होता है। तो आज का अपना टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण का स्थल कहाँ पे होता है। प्रकाश संश्लेषण स्थल, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ये कहाँ पे होती है, ये जो प्रोसेस चलती है फोटोसिंथेसिस की, ये चलती है अपने हरित लवक में। कहाँ पे होती है? हरित लवक, जिसको अपन क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा जो प्लास्टिड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक होता क्रोमोप्लास्ट, जिसमें कलर वाले पिगमेंट वर्णक पाए जाते हैं। एक होता ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें क्या होता है, भोजन का संचय होता है, भोजन जो फूड होता है वो स्टोर रहता है। और एक होता है ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड होते हैं, जिनको क्या नाम देते हैं, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। इसमें क्या पाया जाता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। और ग्रीन कलर का पिगमेंट कौन सा है, ग्रीन कलर का पिगमेंट कौन सा है, हरित क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, या अपन इसी को बोल सकते हैं पर्ण हरित। ये वर्णक पाया जाता है, इस वर्णक की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, ये हरे रंग का दिखाई देता है। यदि अपन इस क्लोरोप्लास्ट की हरित लवक की संरचना की बात करें तो ये कैसा कोशिकरण है, दो मेम्ब्रेन से कवर्ड ऑर्गेनल है ये, जिसमें क्या होती है, दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, दो कलाएं पाई जाती है। ये तो है अपनी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के मध्य जो अवकाश पाया जाता है उसको बोल रहे अपन पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये तो क्या होती है, हाईली परमेबल होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमेबल होती है। परमेबल मीन्स पारगम्य, यानी ये अधिक पारगम्य होती है आउटर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन कम पारगम्य मानी जाती है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की, लाइपोप्रोटीन की। यदि बात की जाए कि जो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, ये अपने पौधों में पादपों में कहाँ पाया जाता है, तो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, ये जो पर्ण होती है अपनी, पर्ण में मध्योतक, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में, मीजोफिल, इनमें मिलता है अपने को क्लोरोप्लास्ट। और वहीं पे क्या होती है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है। जो हरित लवक होता है इसमें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है इसको, इसमें जो नलिका नुमा संरचनाएं पाई जाती है, इन नलिका नुमा संरचनाओं को तो क्या कहा जाता है, थाइलेकोइड।
इसके अलावा इसमें डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम कौन 70S प्रकार का राइबोसोम मिलता है इसमें, डीएनए भी पाया जाता है, इसके अलावा कुछ कणिकाएं पाई जाती है। इसके मुख्य रूप से दो भाग माने जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के, एक तो होती है जिसको अपन गरेना के नाम से जानते हैं, एक संरचना तो कौन सी है ग्रेना या ग्रेना, और जो दूसरी संरचना है वो है स्ट्रोमा, या इसी को कहा जाता है पीटी का। इस जो नलिका नुमा संरचना होती है, इस नलिका नुमा संरचना को क्या कहा जाता है थाइलेकोइड, थाइलेकोइड, थाइलेकोइड वर्ड किसने दिया था मेन के लिए, मेन के लिए थाइलेकोइड वर्ड दिया था। न्यू टाइप के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थाइलेकोइड टर्म किसने दी थी, मेनके नामक वैज्ञानिक ने दी। जो थाइलेकोइड होता है, इस थाइलेकोइड में जो खोखली अंदर जो खाली जगह पाई जाती है, इस खाली जगह को क्या कहा जाता है ल्यूमेन, ल्यूमेन कहा जाता है इसी को। ये हो गई अपने क्लोरोप्लास्ट की मुख्य संरचना। जो नलिका नुमा संरचनाएं होती है उसको तो क्या कहा जाता है, उस संरचना को तो क्या कहा जाता है थाइलेकोइड। और यही थाइलेकोइड क्या होती है, जैसे अपने जो सिक्के होते हैं कॉइन होते हैं वो एक के ऊपर एक जुड़े हुए रहते हैं ढेर के रूप में, स्टॉक के रूप में, ऐसे क्या होती है एक थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर ढेर के रूप में इकट्ठे रहते हैं। इन सभी यूनिट को मिला के तो क्या कहा जाता ग्रेना, और ग्रेना की एक यूनिट को क्या कहते हैं, एक इकाई को क्या कहते हैं थाइलेकोइड। यहाँ पे अपने को मुख्य रूप से दो बातें ध्यान में रखनी, जो ग्रेना होता है इस ग्रेना में तो अपने कौन सी अभिक्रिया होती है लाइट रिएक्शन, प्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। जो स्ट्रोमा होता है इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है तो डार्क रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्रकाश संश्लेषण दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन तो कहां पे होती है ग्रेना के अंतर्गत होती है, और डार्क रिएक्शन कहां होती है स्ट्रोमा के अंतर्गत होती है। लाइट रिएक्शन मुख्य रूप से कहां होती है, इस जो अपने ल्यूमेन है जो थाइलेकोइड का खाली स्थान है स्पेस है उसके अंतर्गत होती है लाइट रिएक्शन। यदि अपन एक थाइलेकोइड को बाहर निकालते हैं तो किस प्रकार की संरचना होती है, ये एक थाइलेकोइड की संरचना है, इस भाग को तो क्या कहा जा रहा है ल्यूमेन। इसी भाग में अपने क्या पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता अपने फोटोसिस्टम फर्स्ट एक पाया जाता है इसी में, फोटोसिस्टम टू एक पाया जाता है सीएफ, एक आता पीएच फोटो हार्वेस्टिंग सिस्टम, फोटो हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये इस प्रकार की संरचना, इसके अलावा एक मुख्य संरचना और पाई जाती है इसमें ये क्या है एटीपेज। इस लाइट रिएक्शन के दौरान ही क्या होता है अपने एसिमिलरी पावर का निर्माण होता है। एसिमिलरी पावर पूछ लिया जाए कि एसिमिलरी पावर क्या है, एसिमिलेटरी पावर जिसी को क्या कहते हैं स्वांगीकरण शक्ति के नाम से जानते हैं, ये क्या होती है एक तो होता है एटीपी और एक होता है NADPH+, H+, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है
एसिमिलेटरी पावर के नाम से जानते हैं। तो एटीपी का निर्माण कौन करता है, एसिमिलेटरी पावर की प्रोसेस से किसका निर्माण हो रहा है, अपने एटीपी का। एडीपी, एडीपी में जुड़ता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जब इसको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, तब ये किसका निर्माण कर लेता है, एटीपी का। यही एटीपी कहां उपयोग में आता है, इस डार्क रिएक्शन में उपयोग आता है, जो क्या करता है, CO2 को किसमें अपचयित करता है, 6 कार्बन युक्त प्रोडक्ट में, जिसको अपन कार्बोहाइड्रेट के नाम से जान रहे, उसमें अपचयित करता है। तो ये संरचना है ये अपने एक थाइलेकोइड की, जिसमें क्या रहते हैं, एक तो फोटोसिस्टम वन भी रहता है, फोटोसिस्टम सेकेंड रहता है, एटीपी एंजाइम रहता है, करेक्शन फैक्टर रहता है, और जो फोटो हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो पाया जाता है इसमें। ये तो होगी अपने थाइलेकोइड की संरचना की बात। इसके बाद में जो हरित लवक की संरचना है, इस संरचना में यहाँ पे ये सभी मिलके और क्या बनाते हैं, ये थाइलेकोइड में इस झिल्ली पे क्या पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, इस सिस्टम को ही क्या मानते हैं, क्वांटासोम, क्वांटासोम। क्वांटासोम वर्ड किसने दिया था, टर्म किसने दी थी, तो वो किसने दी थी, पार्क एंड बिगिंस, इन्होंने क्या किया था, क्वांटासोम टर्म दी थी। क्वांटासोम को क्या माना जाता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यूनिट, प्रकाश संश्लेषण की इकाई किसको माना जाता है, क्वांटासोम। क्वांटासोम में क्या होते हैं, कई प्रकार के वर्णक एंजाइम, ये सभी मिला के एक सिस्टम बनाते, तंत्र बनाते हैं, जो कहां उपस्थित होता है, थाइलेकोइड की झिल्ली के ऊपर उपस्थित होते हैं, और उसको क्या नाम देते हैं, क्वांटासोम। इसी को क्या मानते हैं, फोटोसिंथेसिस यूनिट माना जाता है। ये बात हो गई अपने प्रकाश संश्लेषण का स्थल कहाँ पे है, हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस चलती है। यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले हरित लवक कहाँ पाया जाता है, जो पर्ण होती है, पर्ण मध्योत मेजोफिल सेल्स होती है, वहां पे पाया जाता है। और एक जो पर्ण होती है, पर्ण की एक सेल में, एक कोशिका में लगभग लगभग 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहती है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक हरे रंग का प्लास्टिड है। हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण हो रहा है, क्लोरोफिल या पर्ण हरित की उपस्थिति के कारण हो रहा है। हरित लवक कैसी संरचना है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन, दो कलाएं पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, जो किसकी बनी हुई होती है, लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। आउटर मेम्ब्रेन हाईली परमेबल होती है, अधिक पारगम्य होती है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होती है, कम पारगम्य मानी जाती है। जो हरित लवक की संरचना है, इसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग को तो कहा जाता है ग्रेना या ग्रेना, और दूसरा भाग कहा जाता है स्ट्रोमा या पिटिका। पहले बात करते हैं अपन ग्रेना या ग्रेनम की। जो हरित लवक होता है उसमें नलिका नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसको कहा जाता है थाइलेकोइड। थाइलेकोइड वर्ड किसने दिया था, मेनके। यदि थाइलेकोइड की संरचना के अंतर्गत जाइए तो इसमें कई प्रकार के क्लोरोफिल के जो समूह होते हैं वो और एक संरचना बनाते हैं, उस संरचना को क्या बोलते हैं अपन, क्वांटासोम। क्वांटासोम वर्ड किसने दिया था, पार्क और बिगिन ने दिया था। क्वांटासोम को ही क्या माना जाता है, फोटोसिंथेसिस की इकाई माना जाता है। जब ये थाइलेकोइड सिक्के की ढेरियों के जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, स्टॉक के रूप में जमा हो जाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, ग्रेना या ग्रेनम कहा जाता है, जहां पे क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती है। इस लाइट रिएक्शन के द्वारा किसका निर्माण होता है, एसिमिलरी पावर का निर्माण होता है। एसिमिलरी पावर कौन कौन से है, एटीपी एनएडीपी H2, इसको कहा जाता है एसिमिलरी पावर, जिनका उपयोग कहां होगा, डार्क रिएक्शन में होगा, CO2 का रिडक्शन करने के लिए। ये बात तो है अपने किसकी,
गैना की। इसके अलावा जो लिक्विड भरा हुआ रहता है इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, कणिकाएं पाई जाती है। इस भाग को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा या क्रिटिका के नाम से जानते हैं। जहां पे क्या होती है, डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। डार्क रिएक्शन में मुख्य काम क्या है, CO2 का अपचयन होके और CO2 को फिक्स इसमें कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में, भोजन के रूप में उसको अपचयित कर देते हैं। इसके बाद में ये हो गए अपने संरचना। इसके बाद में बात करते हैं अपन प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीजें उपयोग में आती है, जिसमें अपने को मुख्य रूप से दो चीजों का ध्यान में रखना है। एक तो है अपने प्रकाश संश्लेषी वर्णक और एक है अपने मुख्य रूप से प्रकाश लाइट। पहले बात करेंगे अपन प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की। प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक फोटो सिंथेटिक पिगमेंट। प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होते हैं, इनको प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्यों कहा जाता है, अर्थात जो पिगमेंट होते हैं वर्णक होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश का अवशोषण करते हैं और उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक के नाम से जानते हैं। तो अपने प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से उपयोग में आने वाले वर्णक कौन कौन से हैं, पहला है अपने क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉइड और तीसरा है अपने फाइब्रोबिलिन्स। सबसे पहले बात करेंगे अपन क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल या पर्णहरित, जो क्लोरोफिल होता है पादपों में जो अपने प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें सात प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और एक बैक्टीरियो वीडी। ये मुख्य रूप से सात प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। यदि इनमें से मुख्य मुख्य बातें करते हैं अपन, क्लोरोफिल होता है इसी को क्या माना जाता है, सार्वत्रिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल में कौन सा है, क्लोरोफिल ए की बात करें तो क्लोरोफिल ए को क्या माना जाता है, सार्वत्रिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक। अर्थात जितने भी ऐसे जीव है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद है जिनमें क्या होता है, ये वर्णक नहीं पाया जाता। सबसे इंपॉर्टेंट है अपवाद, ध्यान रखना अपवाद में क्या है, यू बैक्टीरिया होते हैं। यू बैक्टीरिया में कौन से आते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया,
ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ध्यान रखना, सार्वत्रिक यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसको माना जाता है? क्लोरोफिल ए को। लेकिन कुछ ऐसे जीव है, कौन से? यू बैक्टीरिया, जिनमें मुख्य रूप से आता पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जिनमें क्या होता है क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता, उनकी जगह क्या पाया जाता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है उनमें। ये अपवाद में आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उन्हीं में क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। इसके बाद में यदि बात करें अपन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, मुख्य रूप से इन चार की बात करते हैं अपन। क्लोरोफिल ए तो कहाँ पाया जाता है? सभी प्रकाश संश्लेषी पादपों में या अपने नील हरित शैवाल बीजीय में पाया जाता है। अपवाद कौन सा रहेगा इसका? अपवाद माना जाएगा यू बैक्टीरिया, जिसमें दो प्रकार के अपने एग्जाम्पल है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इनमें क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता है, इनकी जगह क्या पाया जाता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें अपन, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी कहां पे पाया जाता है? ग्रीन ग्रीन एल्गी में। क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी का जो कॉम्बिनेशन है वो किस में पाया जाता है? भूरी शैवाल में। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी का कॉम्बिनेशन किस में पाया जाता है? लाल शैवाल में। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीजें ध्यान रखनी है, जो क्लोरोफिल ए और बी का कॉम्बिनेशन है, ये ग्रीन एल्गी तो है ही सही, ए और सी का कॉम्बिनेशन किसमें? भूरी शैवाल में। लेकिन जो ग्रीन एल्गी है इसमें एक और ध्यान में रखना पड़ेगा, यूग्लिनोइड्स। भूरी शैवाल के अलावा ए और सी कौन से कॉम्बिनेशन में मिलता है, किसमें पाया जाता है? तो क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लेजिलेट्स, जिसको अपन डायटम्स के नाम से भी जानते हैं, इसमें पाया जाता है अपने कॉम्बिनेशन। ये तो बात हो गई क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल के जो अणु होते हैं वो सात प्रकार के माने गए, ए बी सी डी ई एफ ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडी। इनमें से जो क्लोरोफिल ए है इसको सार्वत्रिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक के नाम से जाना गया है, लेकिन जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए एब्सेंट रहता है और उसकी जगह क्या पाया जाता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। यदि इनकी कॉम्बिनेशन की बात करें, क्लोरोफिल ए सभी प्रकाश संश्लेषी पादपों में मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा? कुछ जीवाणु को, मीन्स यू बैक्टीरिया को छोड़कर। क्लोरोफिल ए और बी का कॉम्बिनेशन किसमें मिलेगा? हरे शैवालों में और यूग्लिनोइड्स में मिलेगा। क्लोरोफिल ए और सी कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? भूरे शैवाल ब्राउन एल्गी में, क्राइसोफाइट्स में, डायनोफ्लेजिलेट्स में। क्लोरोफिल ए और डी का कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा? लाल शैवाल में, रेड एल्गी में मिलेगा। आगे बात करते हैं अपन क्लोरोफिल, इसकी जो रासायनिक संरचना है, रासायनिक संरचना इसकी रासायनिक संरचना है उसका अध्ययन तो किसने किया था?
विल्स टोटल और पीसर नामक वैज्ञानिकों ने रासायनिक संरचना की बात करी तो ये क्या है, इसमें दो प्रकार के भाग होते हैं, जिसमें एक को तो क्या कह रहे हैं, हेड सिर, और एक क्या है, टेल पूंछ। ये तो होती है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक नेचर की, और ये होती है हाइड्रोफोबिक नेचर की। जो हेड होता है ये क्या होता है, किसका बना हुआ होता है, पोर पायरिन वले का। ये जो पूंछ होती है ये किसकी होती है, एल्कोल संकला होती है, एल्कोल की चेन होती है, जिसी को क्या कह रहे हैं, फाइटोल। जो पोर पायरिन वले होती है, रिंग होती है, ये चार चार पायरोल अणु किससे जुड़े हुए रहते, चार पायरोल अणु मेथिल बंध से, मेथिल बंध से जुड़ के और एक संरचना बनाते हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं, चार को अपन केमिस्ट्री के जो भाषा उसमें क्या बोल रहे हैं, टेट्रा। तो क्या हो गया, टेट्रा पायरोल वले। अर्थात जो सिर होता है वो किसका बना हुआ, टेट्रा पायरोल वले का बना हुआ होता है, और जो पूंछ होती है वो एल्कोल श्रृंखला की बनी होती है, जिसको तो अपन बोल रहे हैं फाइटोल। जो टेट्रा पायरोल वले होती है, इसके मध्य में क्या तत्व पाया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट अपने मैग्नीशियम, सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्लोरोफिल की जो संरचना होती है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। रासायनिक जो संरचना है उसका अध्ययन किसने किया था, सबसे पहले विल्स टोटल और पीसर नामक वैज्ञानिकों ने किया था। इन्होंने क्या बताया, जो क्लोरोफिल का अणु होता है उसमें दो भाग होते हैं, जिसमें एक को तो सिर कहा जाता है और एक को पूंछ कहा जाता है। सिर किसका बना हुआ होता है, टेट्रा पायरोल वले का बना होता है, यानी चार पायरोल अणु मेथिल बंधों से जुड़ के और एक वले बनाते हैं, उस वले के बीचों बीच सेंटर में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। इसके पीछे ही क्या पाया जाता है, एल्कोल की श्रृंखला चेन पाई जाती है, जिसको पाइटोल के नाम से जानते हैं। इसकी रासायनिक सूत्र की बात करें तो क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र क्या है, C55H72O5N4 और मैग्नीशियम, ये इसका रासायनिक सूत्र है, इसका क्लोरोफिल ए का। ये पहला वर्णक था अपने क्लोरोफिल परणहरित। क्लोरोफिल सात प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बैक्टीरियो वीरिनी। क्लोरोफिल ए सभी प्रकाश संश्लेषी पादपों में पाया जाता है, इस कारण इसको क्या माना जाता है, सार्वत्रिक प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट, यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन अपवाद में ध्यान में रखना, जो यू बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उनमें क्लोरोफिल ए एब्सेंट रहता है और उसकी जगह क्या पाया जाता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। ए और बी का कॉम्बिनेशन किसमें मिलेगा, ग्रीन एल्गी में और यूक्लिनोइड्स में पाया जाता है। ए और सी का कॉम्बिनेशन किसमें मिलेगा, भूरी शैवाल में, क्राइसोफाइट्स में, डायनोफेजिलेट्स में। ए और डी का कॉम्बिनेशन किसमें पाया जाता है, रेड एल्गी में पाया जाता है। रासायनिक संरचना का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, विल्स टोटल और पीसर नामक वैज्ञानिकों ने किया था। रासायनिक सूत्र क्या है, C55H72O5N4Mg, ये किसका है, क्लोरोफिल ए का है।
रासायनिक संरचना की बात करें, दो मुख्य भाग होते हैं, एक सिर होता है, एक पूंछ होती है। सिर किसका बना हुआ है? चार पायरोन अणु मेथिल बंध से जुड़ के एक वलय का निर्माण करते हैं, उस वलय को क्या कहते हैं? टेट्रा पायरोल वलय कहते हैं, जो कि सिर का निर्माण करती है। इसी के पीछे क्या लगी हुई जुड़ी हुई रहती है? एल्कोल की श्रृंखला जुड़ी हुई रहती है, जिसको फाइटोल के नाम से जानते हैं, और जो किसका निर्माण करती है? पूंछ का निर्माण करती है। ये पहला वर्णक अपने क्लोरोफिल। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता अपने कैरोटीनॉइड्स, दूसरे प्रकार का वर्णक है अपने कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल तो कैसा होगा कलर में? जो अपने ग्रीन कलर होता है उसका होगा, हरे रंग का होता है। दूसरा आता अपने कैरोटीनॉइड्स, ये कलर्ड होंगे, कलर वाले पिगमेंट है ये। ये क्या कहलाते हैं? सहायक वर्णक भी है ये, सहायक वर्णक। कैरोटीनॉइड्स में दो समूह पाए जाते हैं, एक तो है कैरोटीन, दूसरा है पर्णपीत या जैंतोपीत, या इसी को कहते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स में दो प्रकार के वर्णक है। यदि और अपन बात करें जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, इसका अध्ययन किसने किया था? वेकेन राइडर ने। किसमें किया था? गाजर में। इसका अध्ययन गाजर में खोजा गया था। इसको बात करते हैं अपन कैरोटीन की, तो कैरोटीन में क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन अणु पाए जाते हैं। जो इसका सामान्य सूत्र है वो क्या है? C50 C40 H56। ये कैसा होता है? रेड कलर का। कैरोटीन कैसा होता है? रेड कलर का। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे लाइकोपिन, लाइकोपिन एल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ये सभी आते हैं अपने कैरोटीन समूह में। क्या पाया जाता है? कार्बन और हाइड्रोजन अणु पाए जाते हैं। कलर कैसा होता है इनका? रेड कलर, लाल रंग के वर्णक होते हैं। रासायनिक सूत्र क्या है? C40H56। उदाहरण कौन कौन से? लाइकोपिन होता है, एल्फा कैरोटीन होता है और बीटा कैरोटीन होता है। जो अपने टमाटर का लाल रंग होता है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। जो कैरोटीनॉइड्स का दूसरा समूह है वो कौन सा है? पर्णपीत या जैंतोपिन या कैरोटीनॉइड्स। इसमें क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ में क्या होता है? ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहता है इसमें। इनका कलर कैसा होता है? पीला। रासायनिक सूत्र की बात करें तो C40H56 O2, ये इनका रासायनिक सूत्र है। जो मूलानुपाती सूत्र है वो C40H56O2। यदि अपन उदाहरण की बात करें तो इसमें मुख्य जो वर्णक आते हैं, एक तो आता है ल्यूटीन, जिया जेंटिन, क्रिप्टो जेंटिन, क्रिप्टो जेंटिन, एक आता नियो जेंटिन,
जिया जयंती किसमें मिलता है? मक्का में भी पाया जाता है, पपीता में भी पाया जाता है। ये तो गया अपने पहला समूह जो जैंटोफिल है। जैंटोफिल किसमें घुलनशील होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है जल में घुलनशील, प्रकाश सॉरी जैंटोफिल किसमें जल में घुलनशील, वर्षा में घुलनशील। यदि अपन मुख की बात करें तो ये दोनों किसमें घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। ये किसमें होता है? जल में घुलनशील। यहां पे अपने मुख्य रूप से दो चीजें ध्यान में रखनी है कि ऐसा कौन सा प्रकाश संश्लेषी वर्णक है जो क्या होता है वसा में घुलनशील है, तो क्या हो जाएगा क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। जो अपना फाइटोविलिज समूह है ये किसमें घुलनशील होता है? जल में घुलनशील वर्णक होता है जो क्या है प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। आगे अपन बात करें फाइकोविलिज की। फाइकोविलिज जो तीसरे प्रकार का वर्णक है जो कि प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है। फाइकोविलिज दो प्रकार के होते हैं। फाइकोविलिज दो प्रकार के होते हैं, फाइको यूरिथ्रिन और फाइको साइलिन। फाइको यूरिथ्रिन कैसा है? लाल वर्णक है। ये कैसा है? नीला वर्णक है। ये किसमें पाया जाता है? लाल शैवाल में पाया जाता है। लाल शैवाल कौन सी है? रोडोफाइसी। नीला है तो किसमें मिलेगा? नीले शैवाल में। कौन सा है? साइनोफाइसी। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फाइकोविलिज किसमें सोल्यूबल रहते हैं, किसमें घुलनशील रहते हैं? तो जल में घुलनशील रहते हैं, जबकि क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूं मैं, नोट लगा के इसको आप लिखना। एंटोसाइनिन क्या है? एंटोसाइनिन जल में घुलनशील अप्रकाश संश्लेषी वर्णक है। पूछ लिया जाए जल में घुलनशील प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन सा है, तो कौन सा है? फाइकोविलिज है। और जल में घुलनशील परंतु अप्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन सा है? तो एंटोसाइनिन। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। मुख्य वर्णक कौन सा अपने? क्लोरोफिल। कैरोटीनॉइड्स और फाइकोविलिज क्या होते हैं? ये सहायक वर्णक होते हैं। जब अपन लाइट रिएक्शन शुरू करेंगे तब वापिस अपने जो रिएक्शन सेंटर होता है वहां पे तो मिलेगा क्लोरोफिल, और उसके चारों तरफ क्या मिलेगा? या तो कैरोटीनॉइड्स मिलेगा या फाइकोविलिज मिलेंगे, जो क्या करते हैं, जो क्लोरोफिल अवशोषित नहीं कर पाता प्रकाश, उस प्रकाश को अवशोषित करके और किसको दे देते हैं? क्लोरोफिल को दे देते हैं जो रिएक्शन सेंटर में होता है, और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा क्लोरोफिल को देते हैं इसके द्वारा। इसलिए वो क्या कहते हैं? सहायक वर्णक के नाम से भी जानते हैं।
इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये तो हो गए प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रकाश कि प्रकाश की क्या प्रकृति है, प्रकाश की प्रकृति नेचर ऑफ लाइट। जो प्रकाश होता है, लाइट होती है, सूर्य की विकिरणें होती है, वो किस रूप में चलती है, गति किस रूप में करती है, चुंबकीय चुंबकीय तरंग देने के। जब कंटिन्यू कोई भी दो घर्त होते ही उनके बीच की वो अपन जो दूरी है उसको किस नाम से जान रहे हैं, तरंग दे रहे क्या शिव अपन किससे डिनोट करते हैं, मेम राशि। तरंग दे रहे को किससे डिनोट करते हैं अपन, लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं। जो अपने विजिबल विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, दृश्य वर्ण, इसकी रेंज कितनी होती है, 400 से 700 नैनोमीटर, या इसी को अपन लिख सकते 390 से लेके और 707 नैनोमीटर। लेकिन अपने को क्या ध्यान में रखना है, 400 से लेके और 700 नैनोमीटर की रेंज ध्यान में रखनी है। इसी को क्या कहा जाता है, पार के नाम से भी जानते हैं। पार क्या है, फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। मींस सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण होगा वो कौन सी वेवलेंथ के प्रकाश में, लाइट में होगा, 400 से लेके और 700 नैनोमीटर का जो वे लेंथ होगी उसमें सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। जिनकी वे लेंथ तरंग दैर्ध्य अधिक होती है उनमें तो क्या होती है, कम ऊर्जा मिलती है। जिनकी वे लेंथ कम होती है उनमें क्या होती है, अधिक ऊर्जा पाई जाती है। जैसे इसमें तो क्या आ जाती है, रेडियो विकिरण, इसमें आती है अपने कॉस्मिक विकिरण। अतः वे अधिक वे लेंथ वाले में तो क्या होती है, कम ऊर्जा निहित रहती है, और जो कम वे लेंथ की होती है उनमें अधिक ऊर्जा निहित रहती है। यदि अपन बात करते हैं जो लाल प्रकाश होता है इसकी वे लेंथ क्या रहती है, इसकी रहती है अपने 660 से लेके और 780 नैनोमीटर। बैंगनी प्रकाश होता अपनी इसकी रहती है 390 से लेके और 430 नैनोमीटर। यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखना, एक तो है इंफ्रारेड लाइट और एक है
अल्ट्रा वॉयलेट, पराबैंगनी, ये तो क्या होती है, लाल प्रकाश की जो वे लेंथ है उससे अधिक वे लेंथ वाले विकिरणों को किस नाम से जान रहे हैं, इंफ्रारेड के नाम से। जो बैंगनी प्रकाश है उससे कम लेस वे लेंथ का जो अपने लाइट है उसको किस नाम से जान रहे हैं, अल्ट्रा वॉयलेट पराबैंगनी विकिरणों के नाम से जान रहे हैं। सबसे लाल प्रकाश की रेंज तो क्या है, 460 से 780 नैनोमीटर, बैंगनी प्रकाश की 390 से 430 नैनोमीटर। लाल प्रकाश की जो रेंज है उससे अधिक रेंज वाले प्रकाश को तो क्या बोल रहे हैं, इंफ्रारेड, और बैंगनी प्रकाश से कम वे लेंथ वाले प्रकाश को विकिरणों को क्या नाम दे रहे हैं, अल्ट्रा वॉयलेट पराबैंगनी विकिरणों के नाम से जानते हैं इसको। यहाँ पे अपने को मुख्य चीजें ध्यान में रखना, जो हरा रंग का प्रकाश होता है, हरा प्रकाश, इसमें प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है, क्यों, क्योंकि अपने पर्ण हरित जैसा है हरे रंग का, इस कारण क्या होती है, इस प्रकार की जो वे लेंथ का लाइट आता है वो क्या होता है, अपने रिफ्लेक्ट हो जाता है, इस कारण यहाँ क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, शून्य मानी जाती है। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होगा, अपने लाल प्रकाश के स्पेक्ट्रम में। जो अपने प्रकाश विकिरणें आती है, इन विकिरणों में उच्च ऊर्जा वाले अणु पाए जाते हैं। इन अणु को क्या कहा जाता है, फोटोन। तो क्या है, प्रकाश विकिरणों में जो उच्च ऊर्जा वाले अणु होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, फोटोन के नाम से जानते हैं। और फोटोन में जो ऊर्जा पाई जाती है उस ऊर्जा को किस नाम से जानते हैं, क्वांटम के नाम से। ध्यान रखना, प्रकाश की जो विकिरणें होती है, रेडिएशन होती है, उनमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं, उनको किस नाम से जानते हैं, फोटोन के नाम से जानते हैं। एक फोटोन में जितनी ऊर्जा है उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, क्वांटम के नाम से अपन जानते हैं। क्वांटम अपने को जो अपना एक अणु CO2, इसका अपचयन होगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। अपचयन होने के लिए कितने क्वांटम की आवश्यकता, कितने फोटोन की आवश्यकता होगी, तो वो है 8। कितने की, 8। इसको क्या कहा जाता है, क्वांटम आवश्यकता। क्वांटम रिक्वायरमेंट मीन्स एक CO2 अणु को कार्बोहाइड्रेट के रूप में फिक्स या अपचयित करने के लिए कितने फोटोन क्वांटम की आवश्यकता होगी, 8 फोटोन की आवश्यकता रहती है, जिसको क्या कहा जाता है, क्वांटम आवश्यकता। अब एक अणु ऑक्सीजन का निष्कासित करने के लिए कितने फोटोन की आवश्यकता रहती है, 1/8 फोटोन की, या इसी को लिख सकते हैं अपन 12.5%। इसी को क्या कहते हैं अपन, क्वांटम उत्पादन, क्वांटम यील्ड के नाम से जानते हैं इसी को। तो क्वांटम यील्ड कितनी होती है, 12.5%। ये अपना था प्रकाश का नेचर कैसा होता है, कौन से प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, कौन से में नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण में अपने प्रकाश किस रूप से गति करता है,
चुंबकीय विकिरणों के रूप में गति करता है, और दो गर्त के जो बीच की दूरी होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, तरंग दैर्ध्य के नाम से, जिसको किसे डिनोट करते हैं, लैम्ब्डा से। जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, दृश्य वर्ण होता है, उसकी रेंज क्या होती है, 400 से लेके 700 नैनोमीटर, जिसे को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण के नाम से जानते हैं। जो अधिक वे लेंथ का प्रकाश होता है उसमें तो क्या होती है, कम ऊर्जा पाई जाती है, और जो कम वे लेंथ का प्रकाश होता है उसमें अधिक ऊर्जा पाई जाती है। जो लाल प्रकाश होता है उसका वे लेंथ कितना होता है, 660 से 780 नैनोमीटर, और बैंगनी प्रकाश की वे लेंथ कितनी होती है, 390 से लेके और 430 नैनोमीटर। जब लाल प्रकाश से अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, इंफ्रारेड के नाम से। जब बैंगनी प्रकाश से कम वे लेंथ का प्रकाश होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, अल्ट्रावायलेट प्राबैंगनी प्रकाश के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किसमें होता है, लाल प्रकाश में या नीले प्रकाश में होता है। सबसे कम या किसमें नहीं होता तो हरे प्रकाश में। पूछा जाए हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं होता है, अवशोषण क्यों नहीं होता, इसका क्या कारण है, अपने पर्णहरित होता है वो कैसा है, हरे रंग का, ग्रीन कलर का, इस कारण क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो प्रकाश विकिरण है, इनमें उच्च ऊर्जा वाले अणु पाए जाते हैं, इनको किस नाम से जानते हैं, फोटोन के नाम से जानते हैं। फोटोन में जितनी ऊर्जा पाई जाती है उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, क्वांटम। जब एक अणु CO2 का अपचयन होता है तो कितने क्वांटम की आवश्यकता रहती है, 8 क्वांटम की आवश्यकता रहती है, जिसको क्या कहा जाता है, क्वांटम आवश्यकता कहा जाता है। एक अणु ऑक्सीजन का रिमूव करने के लिए जितने फोटोन की आवश्यकता रहती है उसको कितनी क्या कहा जाता है, क्वांटम उत्पादन, क्वांटम यील्ड के नाम से जानते हैं। कितने की आवश्यकता रहती है, 1/8 या 12.5%। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, हमारे वीडियो आएगा, उसमें बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। इसमें अपन मुख्य रूप से दो बातें करेंगे, एक लाइट रिएक्शन की और एक डार्क रिएक्शन।